दूध काढ़न चला बंदा, दूध काढ़न चला, दूध काढ़न चला बंदा, दूध काढ़न चला। और तू कैसे कर रही है आज? नार भी खा लियो, कैसे बुरा मान रही है? ए, किसी से लड़ाई वड़ाई होगी कैसे? आंख दिखा रही है बुरी शिकल की भैंस, काट लें तो चुप देनी। Oh, no! अब बस लीजो तू, अब बाबा बतान जा रहा हूं देख। बहुत दिन से देख रहा हूं तो ऐसी ड्रामे कर रखे थे ना, अभी बाबा से कह रहा हूं जाकर, रोज खवा रहे तो बिला ने खल, दोनों टाइम दलिया मार रही है फिर भी दिमाग खराब करती रहे। भाई चाचा यार, तुम इतनी देर से देख रहा हूँ मैं, क्या देख रहे हो इधर को तुम? अरे देख कहाँ रहे हूँ, शिल्पा के चक्कर में तो खाट यहाँ बिछाई है जंगल में, मैं जो सोच रहा हूँ आ जाती, घने दिन हो गए देख ही लो, रखबीरी की हाल चाल पूछ लेता और कहा था आई दो रही पता ना हमारा यू कैसे भगो आवे है न्यू को, अब कहा देख लियो जने आने, कोई हारी परेशानी तो ना बन गई है? सूदा सो को बैठता सूदा सो सकनो कर को हुए पता ना जो प्राइये जो तो बात बताइए अभी कदी खोल दे। ए बाबा तुम यहाँ बैठे हो खेतन में आके, वहाँ भैंस ना मिल रही? भैंस ना मिल रही, प्रकाश सर के खरक में होएगी, सहतूत का पेड़ है ना, सहतूत खाने गई होएगी। मतलब बाबा ऐसा ना वैसा ना मिल रही? वैसे कैसे? अच्छा एक और भैंस नहीं, वाक्य दुबकी दुबका या छुछुआ खेल रही होएगी। मतलब बाबा दूध ना कढ़वा रही, कूद कूद का पड़ रही है? अच्छा दूध ना कढ़वा रही, फुकंदा फेरे को कल को काट लीजो, कल मिल जाएगी। ए बाबा मैं कहाँ पीऊंगा, मैं बिना दूध पिए नींद ना आती, पता तो होता मैं। भाई तुम्हारे भी जो है ना नई नई बीमारी है, दुनिया जो भूखी ना सो सके ये दूध के बिगड़ ना सो सके, रोटी तो मिली गई तो रियल आदमी जी तुम्हारे कट गया दूध? हाँ चाचा दूध तो कट गो, मेयर खालिद अभी चाय पी के आए हैं। जा रहे जा अपने चाचा आदमी के तो 2 किलो दूध लिया जा। ए चाचा 2 किलो तो सगड़ो ही हो दूध, अरे हमें चाय बन गई। मेरे यार आदमी तू भी हद करे, तेरा इतना मोटा पेट हो रहा है तो मैं तो गुंजास है 5-7 दिन की, ये अलवाई बालक है इनके बस की ना एक दिन भी झेल लो, तू तो झेल लेगा। जा रे जा कहाँ खड़ा देख रहा हूँ, जा फिर एक। ठीक है बाबा जी, तीन उनको पाम छुछवा बाबा जी। हाँ होगी पाम छुछवा जा। ए चचा यार एक बात तो बतलाओ, तुम है इतने दिन हो गए तुम्हें घर घर दूध मांगते फिर रहे हो, है अगले के बच्चे ना अनुकेश कैसे लिया दूध, आप तो चलो दे देगा भैंस का चचा, इंतजाम करो ऐसा ना होता जैसे तुम कर रहे हो, रिश्तेदारियों में से खोल के लिया मैं भैंस नुक चराई पे दे दे, उस पे दे दे बटाई पे, 4 दिन दूध दे वे फिर 4 दिन लाती फिर घड़ो रहीस मत ना बने, तू दिवा दे पैसा धरे डोल ले हम तो ले, पैसे हैंगे तो भैंस की कहाँ कमी है, चले चलो भैंस हरियाणा से लियाओ, राजस्थान से लियाओ, राजस्थान की भैंस लाओ मेरी मानो तो तुम, बहुत बढ़िया दूध निकालती है और घी भी ऐसा रहता मजबूत वाला मामला। क्यों तेरी जानकारी है कोई हंस के? अब देख रहा आदमी देख रहा है ना कि बावली पंती बात तो खुद तू, जान पहचान की जरूरत है नुका जी, जान पहचान ए दाम हो जेब में तो भैंस ही भैंस है, इसमें क्या पैसे डाल लो जेब में, चलो कल ली चल रहे आदमी, तुझे भी चलना भैया ना, चलो कल ली हमारे से तो तुम चल तो चल, कल सुबह चलेंगे, मैं लगता ना जाओ बदल लूंगा सुबह को, नहीं लगता ना पैर चलेंगे। अब देख रहा करे बाबली बात ना, किसी के ब्याह में जा रहा बुढ़े वहां पे तू है नुके कपड़ों पे फिरे, तुझे क्या जानना वहां कोई, भाई मान लिया मैंने तुम फटे टूटे और गंदे कपड़ों में ही कलगा, कौन पहचान रहा तुझे बुढ़े, बाबली बात तो करे नुके नहीं लथो फिर, मैं तो ही नौ भी बदल के जाऊंगा, पहाड़ वहाड़ रहते हैं फट फिटा के कपड़े तो बेस यार, अब तो नहीं सिले कई सालों में, टोपे को भी अब्बे वाले पहनूंगा मजबूत है टिकाऊ, फटने का ना गिर गिरा भी गा तो किधर को। अच्छा सुलेमान को फौज वाला
हाँ वही अब्बू वाला, फौज में तो थे ही अब्बू, वहीं से जो मजबूत वाला रख रखा मैंने संभाल के। बढ़िया रहेगा, तो धूप भी जो आर पार न होएगी। पर चाचा मैं तो इनमें चलूंगा, थोड़ा सा गीला कपड़ा मार लूंगा। गीला कपड़ा मार लेगा, छोटा बच्चा है क्या? अबे खालिद यू बता चल लो कैसे कैसे है। अब देख तू आदमी करे चाचा, बच्चों वाली बातें कर देता फिर कहता नुक तू खालिद उल्टी बातों को फरमाता। चाचा चलना क्या ना से एरोप्लेन में लटक लेंगे ना बे आदमी, जैसे ही हमें दिखागा नु का प्लेन राजस्थान में बढ़ गा तुरंत छलांग मार देंगे। पहाड़ रहते हैं ऊंचे ऊंचे, चोट फेट लगनी ना, पहाड़ रहते हैं ऊंचे, उन लोगों के बगल में से ही कल के जाता है एरोप्लेन, वहीं कूद जाओ क्या धरा, एक पैसा ना लगन दूंगा। चलो तुम भाई प्लानिंग में तो मजबूत है तू, पता ही मो कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर लगाएगा, तैयार हो ले कल को। अब कहाँ उतार दिए याने, कहाँ आ गए हम? चाचा देखना रहे हो ना, पे पहाड़ी पहाड़ है, राजस्थान ही तो ये। यार खाली तो ढेर पर चले होते, मोटल हिला आ रहे हैं, मोटल लग रहा है आज के तो भैया। अशो अशो लेला भैया, मोटल हिला के मेरे बस की ना चलना, मेरे बस की ना, आदमी मेरे यार पिद्दी बैठा ले मो पिद्दी। है चाचा मेरे बस की ना पिद्दी बैठाना, मो पे अपना वजन ना संभल रहा, ऊपर से पेट का वजन, मेरे बस की ना। अरे तो खाली देहात को बाहुबली बतावे, कैसा कमजोर पड़ गा? ए चाचा मैं ना हूँ बाहुबली, मैं तो एक साधारण आदमी ठीक हूँ, यू तो खामा का बकवास करे है। खालिद मेरे यार तू तो फिद्दी बैठा ले, तू तो मेरा दोस्त है, तू तो यू कह रहे हो हम तो ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। चाचा होशियारी दिखला रहे हो, तोड़ेंगे दम मगर लेकिन ये साथ नहीं छोड़ेंगे, इमोशनल कर देता आप बुढ़ा मुझे है। लंबाई तो बहुत है इस पहाड़ की, पर चल बुढ़े साथ तो निभाना ही है तेरा। चाचा वजन बढ़ गया, मुझे लगा छुआरे खा रहे दिखाओ। दे दे तेरे चाची। बढ़िया बुढ़िया तुम्हारा पूरा ख्याल रख रही है। आराम से आराम से। चाचा जब तुम मेरे हाथों में हो तो डरना ना, तुम्हें सेफ हाथों में हो तुम चाचा, ऐसे तो मैं शाहरुख को बिठा के भी ले जाता हूँ कभी पहाड़ों में। पीछे मुड़ के मत देखियो, अभी ज्यादा डरेगा तू। चाचा ये देखो तुम्हें चित दिखलाता हूँ, ये जो कांटे हैं चाचा लग गई, ये कांटे बहुत खतरनाक है चाचा, इन्हों में जो है ना इनकी वैरायटियाँ पीछे भी बहुत है चाचा, वैरायटी बहुत है कांटों की यहाँ पे। अब ये देख ले चाचा, ये रहता नागफनी, इसका भी कांटा बहुत जहरीला रहता, मत देख आदमी दूर से जहर फेंक देगा, उतर जा पीछे को। जहर है ना? चाचा बूझो ही मत। तो दूर कर लिखड़ी है आके। देख के गिर मत जाइए, और देख के। अबे आदमी मैं ये कह रहा चाचा से, चाचा तुम्हें एक बारे में ही एक बारे में ही ना पहुंचा दूं, टाइम से पहुंच जाओगे। मेरा दोस्त ना तो चाचा, सफर आसान हो जाता ना। चलो तो चलो आराम से, चल बे चल तू, हमारी फिक्र क्या कर रहा, मजबूती से पकड़ के रहियो बुड्ढे, कभी मुझ पे इल्जाम लगावे फिर। ये दोस्ती चाचा हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मैं क्यों डर आ रहा जिना पर, तू उतरता क्यों ना? आराम से आराम से। चाचा कितना किलोमीटर मानो, 10-1 किलोमीटर तो उतरे ही है ना, ज्यादा ना 3-4 किलोमीटर होएगा। देख रहा बुड्ढे को, जो मैं बतलाऊंगा उत्ता आदमी बात को सुन, कोई भी बूझेगा ना तो तुझे कहना अनु का 4 में 0 बढ़ा ले,
40 किलोमीटर उतरवा के लाया खालिद। और ये कहना मेरे दोस्त, यूँ कह खालिद ने चाचा को तो सीधी वाली बगल में दबा रखा और मुझे उल्टी बगल में दबाए रखा। यही कहना, चाचा इसी तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं ये, उन्हों में लिखे जाते हैं दुनिया की किताबों में। चल बे चल चल आदमी जिनावर, मैं कांटा लग गया यार, मैं तेरे तहमंद में रुक जा। हाँ कांटा चल, इकल गा। चाचा मैंने तुमसे कही पानी की बोतल डाल लो, मर रहे हो प्यासे, बोलता नो इकल्ला तुम्हारा। यार खालिद से पूरा राजस्थान खुद मारो, एक भी भैंस नजर नो आ रही। चाचा चलो आगे को मिल जाए भैंस। चल नो और नो आराम पे। तो जिनावर आगे को क्यों ना चल रहा, जब ढलान है तो ढलान पे से तो आदमी तेज चलेगा ना चलेगा। आगे को मेरी गेल को सिर में ऐसा लगा जैसे किसी पत्थर से टकरा गया हूँ यार। अरे चुप हो जा, हम भी थके पड़े हैं। अच्छा चाचा भैंस तो वो बंध रही। हम बंध भैंस ही है, गुबाला भी बैठा चाचा, वो बैठा ना साफे को बांध के। आओ 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 आ जाओ, तुम रहो आगे, तुम मौजूद आदमी हो, बड़े बूढ़े हो यार हमारे। आदमी तू ही कल पहले खाली, तू लेकर पहले चल कर रहा बाबली बातों को, ना कोई खतरा हो आगे, तू ही कल यार दोस्त ना मेरा। हाँ बाहुबली है तू देहात का यार, इन्हीं काबों में तो तू बाहुबली। अच्छा ऐसे रिपट के ही कल ना। नहीं लग चुका यार, जल्दी खाल का किसने पकड़ लिया। बे मेरे तो प्राण निकल जाते, मैं तो डर गया, जाने क्या ब्याद आ गई यहाँ पे। भाई चाचा एक बात देख रहे हो तुम, तार बांधे गए खेतों में, तार है जो इधर का उधर ना जा पर उधर का इधर ना जा। चाचा ये तो वही वाला मामला बनना, देखो तो सही नुका जवानी मेरी बिजली के तार है। मजाक कर रहा, मजाक पेड़ तो ये चाचा बहुत महंगे लग रहे हैं मुझे भी। हाँ आदमी तू भी, ओ भैया सुनियो तुम ना, अबे यू तो कहीं देखो देखो से लग रहा मुझे आगे। चाचा ध्यान आ गया मुझे, चार पांच दिन पहले जो मैं सब्बीर की दुकान पर अपनी सेविंग बनवा रहा, मेरे ठीक सामने बैठ के ही तो बनवा रहा, ये भी वही है यार, ये देख ले। यू तो वो तेरी शिकल पे लग रहा कुछ, पर चल छोड़, हो गए हम शकल जो है, एक दूसरे राज्य छोड़ के मिल जा तीसरे चौथे राज्य में, हमारी यहाँ की शिकल को भी होएगो कोई ना कोई, ढूंढेंगे काय दिन टाइम मिलगा तो। अकेले बना अच्छा, यू कहा कह वे, यू कह रहा कहा लेना आयो तुम, भैंस ले वे आए तो ले लेना भैंस, ये भैंस बिकाऊ छ है, उनदे तो कटिया रही, भैंस बिकाऊ छ है। भैंस तो मलू का तेरी अकड़े सा छो, जोली कौन सुनो थे ना, ना मैं कौन सुनो, सही है ना ना सुनो, हम होते आए भी ना, हम आए हैं यूपी में अधेल गांव से। हाँ तो सुना छे उनदा वो तेरा यूट्यूबर रामन बैठी। देखी भाई खालिद, मेरे पोते अमन की तूती जो राजस्थान तक भी बोले। हाँ बोल गई तुम्हारी तूती राजस्थान तक, भैंस जो ले हो भैंस लेने आयो यार, बातों को बतला रहे हो नुक तूती बोल रही है। उन्हें तो हमारा एक रिश्तेदार छ टेक चंद, सुना है कि जोने कुन बाक हो ये कथई, दो लौंडा भी है वहाँ पे। ना ना फिर तो गलत सुन लिया छे, वो का तो तीन छोरा छ। पूरी बात सुन नहीं रहे हो, तीन ही लौंडा आके, एक तो सबसे बड़ा
फिर एक बीच को और एक सबसे छोटा, तीन लौंडा और वहाँ का जो तीसरा लौंडा है सबसे छोटा उस ससुरा मुसु रोम रोम ना करे या हमारे में वहाँ गिनती में गिनता दू। हाँ तो वही है भाई, हम रिश्तेदार ही लगड़ी आई है, सही लगा लीजिए भैंस है। ना ना कोई परेशानी ना यार, रिश्तेदारियों का मामला रहता लगा ले ठीक ठीक यार, कोई परेशानी ना। ये भैंस 10 किलो दूध दे सा और 40,000 की लागेगी। भाई यू कहा कह रहो, तू महंगी लगा रहो, गणित गलत है तेरा। चाचा खाली से लगवा गणित, गणित तो यहाँ का सही है। भैंस जिनावर तूने कहाँ से देख लिया मेरा गणित? अच्छा जब चाचा सोमलाल से मैंने भैंस खरीदी ना तो तैने गणित लगाया। 8 किलो दूध 42,000 की लाया, अंक गणित तो तुझे आता ना होएगा, पर फिर भी देख एक बार तू एक काम कर, 42,000 रुपए में 8 किलो को भगा। भगा मतलब उसका भाग दे दे। अच्छा कितना होगा फिर? तो उससे ना बनेगी बात, अब मैं बतलाता हूँ। 5,000 रुपये 250, 5,250 रुपये किलो दूध पड़ेगा तुझे। अच्छा जी 5,250 रुपये किलो? और बेकूफ 5,250 रुपये किलो तू दूध पिएगा तो इस घर जमीन को बेचेगा ना बेचेगा? बिल्कुल बिक जाएंगे मेरे सब कुछ। अब बता तू। चल तेरे जो करो ठीक है, पर अब ये भैंस दिवा दे वही फॉर्मूला लगाएगा। बे भैया यार रेगिस्तानी, तू मुझे एक बात तो बतला, 10 किलो दूध है तेरी भैंस के अंदर, 40,000 रुपए की तू डिमांड कर रहा, इस हिसाब से तुझे पता कितने रुपए किलो दूध बैठ गए ये है? 4,000 रुपए किलो। भाई 10 किलो दूध को 40 से कैसे गुना भाग करके 4,000 रुपए किलो बैठगा? क्या जानना तू टाटा बिल्ला है अंबानी है, डीड भी के खेत ना इस पे, उस पे भी कर्जा लिए बैठा बैंक का, बर्बाद हो जाएगा यार, ऐसा मत करे। 4,000 रुपए किलो की गुंजाइश ना इसकी, ये तो 40 रुपए किलो लगा सके। 40 रुपए किलो दूध चल रहा यार, देख 40 की 10 में तू गुना भाग क्या रहता वो 10, 400 रुपए, 400 रुपए सीधे सीधे बैठ रहे मेरे दोस्त। चाचा 400 रुपए दो भैंस तुम्हारी, कोई परेशानी ना, राजस्थानी अपने फीलिंगों को समझ रहा। चल ठीक छा दे दो छा। बस 100 रुपया ये है तो मुफे आदमी दीजिए 200 रुपया, 100 रुपये खालिद पे से लूंगा, वो ना पता ही भैंस इतनी महंगी पड़ जाएगी, घर जाकर ले लीजो दे। दीजो खालिद 100 रुपये दे। मुझ पे रखे 1 रुपया तो है ही ना, खाली हाथ यहाँ को होते। देख रहा बुड्ढे की जिनावर बनती है। ले भाई हाथ निकाल ढंग से, गिन लीजो कभी बाद में कहे बाबा बेईमानी कर को। अब पैसा तो पूरे सा एड्रेस बता दियो, पहुंचा दूंगा भैंस ना। कैस करनी है एड्रेस की? चाचा मैं तो देखो यही कहूंगा, एड्रेस में तो मामला वही रह जाता, सेफ जोन वाला मामला ना, क्यों रिस्क ले हो तुम। तू भैया नहीं पहुंचा दीजो, टेक चंद ना होते रिश्तेदार वाके माध्यम से नहीं पहुंचा दीजो। हाँ ठीक छा उन्हें पहुंचा दूंगा, ये ठीक छा। राम राम जा। राम राम। भाई खाली तेरी जो ना यही तारीफ है, यही अच्छा काम करे बस, तू पूछेगा ना कहा बदलाओ चाचा बदलाओ, तू जो ना कहीं को बिगड़ रहा काम हो वह बनाते हुए। भाई चाचा यही तारीफ है मेरी भी सुन जाओ, तुम बचपन से ही समंदारी में बलदर जैसा रहा मैं गांव में चाचा, कभी घमंड तो ना करा, सारा दिमाग तुम्हारे लिए ही खर्च कर दिया। यही चीज देखू मैं, तुम वही को लगावे या दिमाग का पता ना क्यों। तुमसे चाचा मोहब्बत ही बहुत है, इकलो भूख लग रही है, होटल पे खाना खिलवाई हो यार। तू कहां कुछ चुपक रहो, आ जा आराम से। जवानी तेरी बिजली के तार है, हम भी बहुत होशियार है, तारों के नीचे से निकल जाएंगे चाचा। है चाचा
तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। बात बुरी हो तो भैया बुरा मान जाऊंगा मैं, और सही होएगी तो काहे को बुरा मानूंगा। है चाचा, मेरे समझ में यू ना आई, तुम वहां भैंस के पैसा दे आए पर तुम वहां एड्रेस तो दे के ना आए। मैं देख ले जिनावर करे तू बाबली बातों को ना करता, इसीलिए तो तू सीधा आदमी कह जा पूरे गांव में। भाई नौके कुनबे में ना टेक चंद के घर पे आ जाएगी, वहां से चाचा खुल लेंगे, क्या परेशानी है, एक दो रुपए खूटा खुलाई तो देनी है यार। बाबली बात तो करता है मेरे कुनबा को काहे को टेक चंद भैंस सस्ती लगा ले भैया, हमारे रिश्तेदारी बना रहे मैं तो। इसलिए रिश्तेदारी का ले लू का भैंस को सस्ती लगा ले। चाचा मुझे लग रहा है इस आदमी की संगत में रहेगा तुम्हारा भी जो दिमाग काम ना करता है। जब रिश्तेदारी नहीं तो एड्रेस तो देते उसको, कहां लिए लिए फिरेगा भैंस को बेचारा गरीब आदमी। ज्यादा होशियार मत ना बने, तू ही तो फूको, तू ही तो कह रहा हूँ सही एड्रेस ना बताए करते है। चाचा मैंने इसलिए कही, अगर तुम किसी के साथ चीट कर लो, फिरौड़गर्दी मार दो तो भैंस को हाथों हाथ हत्या ना था तुम। मैं तो ये जानना टेकचंद के है रिश्तेदारी कल गई ले पहुंचाई दिएगा, मुझे क्या पता ही ना 40,000 की भैंस 400 में भी दिलवाऊंगा तो अभी इनका जो दिमाग काम ना करने का, हाथों हाथ लेते ना फिर भैंस को, है 10 रुपए खूटा खुलाई देनी पड़ती। पकड़ो अब जाके वहां पे, बातों को बना रहा बुढ़ानु का, मैंने कहा मुझे बदनाम कर रहा। अरे भाई खालिद, राजस्थान की तो बड़ी फास्ट सर्विस है, यू है पहुंचाने को चलोगे? अब यार एक चंद ढूंढना पड़ेगा, कहां पता ना, बाकी रिश्तेदारी बताइए। देख रहा बे आदमी, तू देख रहा कितनी बावली बातों को कर रहा है बुढ़ा, किस कदर इसका दिमाग जो खराब हो चुका है। ये जो कहावतें कही गई है ना, पहले किसी जमाने में नुकजी बुढ़ापे में दिमाग सट्टा जाता। चाचा अब तुम्हें सच्चाई कबूलनी पड़ेगी, दिमाग तुम्हारा सट्टा चुका, उम्र तुम्हारी हो चुकी है, लूट कर लेगा दिमाग में नहीं है अभी भी तुम्हारे में 400 रुपये को लेगा। नुका टेक चंद खालिद 200 रुपये मेरे भी है, तू दुआ को मेरे में। मेरा क्या मतलब पड़ा, तुझे क्या लग रहा मुझ पे पैसे है ना, अंटी में दबा रखे मैंने, मुझे पता ही ना कि हरकतों की 2 रुपए भी ना दिए, अब तुझे बूझ ले देगा चाचा इसके पैसे। मरवा दिए तेने तो मरवाए ये बेचारे के पैसा, और मेरे भी मरवा दिए है, सारा काम तो तेरा है यू। अब देख रहा रो के दिखला रहा बुड्ढा है, रुक जा रो रो बता रो। नमस्ते सभी को, तो कैसी लगी तुम्हें वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करो, लाइक करने से बहुत मनोबल बढ़ता है, और सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब बहुत कम बढ़ रहे हैं, बहुत सब्सक्राइब कर लोगे तो जल्दी जल्दी तुम्हें वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। अरे बाबा यार वीडियो में काहे बढ़ गए तुम, यू पुष्पाबाज थर्ड को सूट ना आयु, ये तो राजस्थानी भैंस को है पुष्पाबाज थर्ड आ रही अगली वीडियो, तो बाबा भाई की मेहनत में लगे हुए अपना प्यार देना वीडियो को, बहुत जबरदस्त वीडियो आएगी, फुल मजा आएगा आपको। जाओ मैं रुको ना जाओ तुम, बाकी पुष्पाबाज 3 की करो तैयारी। पुष्पाबाज 3 की? हाँ बाबा, फिर तो ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा कंधा। तो जी फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, हम वहाँ भी छोटी छोटी वीडियो तुम्हारे मनोरंजन के लिए डालते रहें। अपना प्यार बनाए रखो, हालांकि आप बहुत शेयर और सपोर्ट करते हो उसके लिए दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें।